जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, वीज़ा अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जो पुराना वीडियो था वीज़ा अपडेट का, उसको भी 2 वीक हो चुके हैं। तो आज आपके लिए वीज़ा अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्रोशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर कौन से मंथ के फाइलों पर डिसीजन आ रहा है। हालांकि लाइव के माध्यम से मैंने आपको अपडेट दी थी, फिर भी मैं आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि क्रोशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर कौन से मंथ के फाइलों पे डिसीजन आ रहा है। साथ ही साथ हमारे उन मित्रों के लिए खुशखबरी है जो कि सीजनल वीज़ा, जिनका परमिट सीजनल है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी फाइलों पर डिसीजन जल्दी आ रहा है। तो वीडियो में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि हमारा जो वीडियो था, मैंने आपको बताया था लास्ट लाइव में भी और उसके लास्ट वीक के भी लाइव में, कि जो 6 मई है, जो ये करंट वीक है 6 मई से लेकर 10 मई, इसमें फरवरी मंथ की शुरुआत हो जाएगी। जो हमारा अनुमान था बिल्कुल सही जा रहा है और पिछले 4 दिनों में यही देखा गया है। 6 फरवरी, 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई, चारों दिनों के भीतर फरवरी मंथ की शुरुआत फुल फ्लैश में की है क्रोशियन एम्बेसी ने, जिन्होंने भी फरवरी मंथ में फाइलों का सबमिशन किया था, सॉरी, किसी भी VFS सेंटर में 1 फरवरी और 2 फरवरी, और उसके बाद आपका 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड वीक फरवरी में सबमिशन करके आए थे हमारे मित्र किसी भी VFS सेंटर में, उनके डिसीजन आए हैं इन 4 दिनों के अंदर। मेरे पास खुद इसके प्रूफ आए हैं और बहुत सारे हमारे मित्रों को जिन्होंने काठमांडू में सबमिशन किया था जनवरी में, उनके भी फाइलों पर डिसीजन आए हैं। और साथ ही साथ काठमांडू में जिन्होंने फरवरी के फर्स्ट वीक में सबमिशन किया था, उन मित्रों को भी फाइलों पे डिसीजन आया है इस वीक में 4 दिन के भीतर। तो हमारा जो प्रिडिक्शन और हमारा अनुमान चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा है। तो जो मेरा अनुमान है, सबसे पहले मैं जनवरी मंथ वालों को बताना चाहूँगा कि जनवरी मंथ जो 4 दिन के अंदर डिसीजन आया है, सबसे पहले जनवरी मंथ में 96% मेरा अनुमान है काम हो चुका है, वर्कआउट हो चुका है। और आज भी 10 मई को ये वीडियो बन रहा है, 10 मई फ्राइडे के दिन, तो आज भी हमारे बहुत सारे जो जनवरी में सबमिशन करके आए हैं मित्र, उनकी फाइलों पे डिसीजन आएगा। और बाकी के जो केस पेंडिंग होंगे अगले वीक भी हो सकता है प्रोसेस में चलेंगे। और कुछ केस तो आपको हर बार बताता हूँ वीडियो में, 1 से 2% केस जो री बायोमेट्रिक करके आए होंगे हमारे मित्र, उनको 150 से 180 दिन लगते हैं फाइल पर डिसीजन आने में। और 1-2% केस वही होते हैं जिसमें कंपनी ने या तो ज़्यादा फाइलों का सबमिशन होगा जनवरी मंथ में उसी कंपनी का, 20 से 30 फाइलों या 10 फाइलों का, तो उन फाइलों पर डिसीजन में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय लगता है। तो इस कारण कुछ केस पेंडिंग चलते रहते हैं हर मंथ, और ये होता ही रहेगा फरवरी मंथ वालों का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी। आप जिस भी मंथ में सबमिशन करके आएंगे तो 1-2% केस प्रोसेस में अटक जाते हैं, जो कि कारण आपको बता चुका हूं। तो जनवरी मंथ हमारा अनुमान है मेरा कि 96% क्लियर हो चुका है। और जो अब फरवरी मंथ वालों की बात करें तो उनके लिए खुशखबरी थी जो मैंने पिछले लाइव्स में भी बताया था, तो हमारा अनुमान सही चल रहा है इन 4 दिनों में फरवरी मंथ के फुल फ्लैश में डिसीजन आए हैं फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के। और साथ ही साथ मार्च के भी डिसीजन आए हैं। अब मार्च वालों के उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भी सीजनल परमिट, जिनका भी सीजनल परमिट था, 6 मंथ का परमिट था, 3 मंथ का परमिट था, तो उनकी फाइलों पर भी डिसीजन इस वीक में आए हैं। तो खुशखबरी उन सभी मित्रों के लिए है जिनके भी सीजनल परमिट हैं, तो उनके फाइलों पे डिसीजन 60 से लेके 75 दिन और किसी किसी केस में 80 दिन में आएगा डिसीजन। वैसे 60 से 75 दिन में सीजनल परमिट का डिसीजन आ जाएगा। जो भी हमारे मित्र अब अप्रैल में करके आए हैं या मई में भी करके आए होंगे तो 60 से 75 दिन में डिसीजन आ जाएगा। हो सकता है 75 से कम करके वो 50 से 60 दिन को भी कर सकते हैं क्रोशियन एम्बेसी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो सीजनल परमिट वालों के लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है या खुशखबरी है कि उनके फाइलों पे डिसीजन फास्ट टू फास्ट आएंगे, उनके केस प्रायोरिटी पे लिए जाएंगे। और ऐसा हमने देखा है, पिछले वीक में भी देखा है और इस वीक में भी, मार्च का जो मार्च में सबमिशन होके आए करके आए थे हमारे मित्र, उनके लिए डिसीजन भी आ चुके हैं। तो जो हमारा अनुमान है ये फरवरी मंथ फुल फ्लैश में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लाइव में भी बताया था, 31 मई तक फरवरी मंथ पूरा 98% क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी क्लियर हो जाए,
और जो हमारे मार्च में सबमिशन करके आए मित्र, 1 ईयर वाले परमिट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो जो मई का लास्ट वीक रहेगा आपका 27 से लेकर 31 मई, उसमें मार्च मंथ की शुरुआत हो जाएगी फुल फ्लैश में। तो हमारे जितने भी मित्र हैं मार्च में सबमिशन करके आए हैं तो मई के लास्ट वीक तक आप वेट करिए, और जो सीजनल परमिट में सबमिशन करके आए मार्च में, तो उनके लिए खुशखबरी इसी वीक के लिए भी है और आने वाले वीक में भी मार्च के फाइलों पे डिसीजन आएंगे जिनके सीजनल हैं। और जो अप्रैल में करके आए हैं सीजनल परमिट में, उनके लिए 24 मानकर चलिए 24 मई से उनके भी डिसीजन आना चालू हो जाएंगे जो अप्रैल में सबमिशन करके आए हैं सीजनल परमिट के। तो आशा करता हूँ, आज 10 मई है और फ्राइडे का दिन है, आज भी हमारे बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे। फिर से मैं आप सभी से यही कहूँगा कि शाम को 5:30 से 6:30 आपकी, अगर आपके पास आपका रेफरेंस नंबर है और आपके पास अगर आपका ईमेल आईडी आपके एजेंट का है और आपका मोबाइल नंबर भी आपके एजेंट का है, तो आप केवल जो VFS ग्लोबल की ऑनलाइन साइट है वीज़ा ट्रैकिंग की, वहाँ पर जाइए और अपना रेफरेंस नंबर फिल करिए और आपका लास्ट नेम फिल करिए और आपका स्टेटस आप खुद से चेक करिए शाम को 5:30 से 6:30। जिनका भी फरवरी मंथ में सबमिशन हुआ हो 1 ईयर के परमिट का और सीजनल परमिट के तो आ ही रहे हैं डिसीजन, तो आप 5:30 से 6:30 अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करिए, आपको खुशखबरी आज भी मिल सकती है, नहीं तो अगले हफ्ते का इंतज़ार करिएगा। तो आशा करता हूँ आज के दिन भी बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे और फरवरी मंथ का मैं फिर से कह रहा हूँ जो 24 मई वाला वीक होगा, हो सकता है 24 मई तक 90% क्लियर हो जाएगा और 31 मई तक तो फुल फ्लैश में क्लियर हो जाएगा, 1-2% केस बचे रहेंगे फरवरी मंथ वालों के। और जो हमारे मार्च वाले मित्र हैं 1 ईयर वाले, फिर से कहूँगा जो लास्ट वीक होगा 27 से लेकर 31 मई, और 27 से लेकर 31 मई के वीक में एक अवकाश है, हॉलीडे है, क्रोशिया का एक नेशनल हॉलीडे है 30 मई का गुरुवार के दिन, उस दिन ना तो VFS सेंटर में क्रोशिया की फाइलों का सबमिशन होगा ना क्रोशिया फाइलों का डिसीजन आएगा। तो इस वीक में, इस मंथ में सॉरी, एक और अवकाश आ रहा है 30 मई का, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्रोशिया में 30 मई VFS सेंटर में ना तो 30 मई को आपकी क्रोशिया फाइल का सबमिशन होगा ना तो आपकी फाइलों पे डिसीजन आएगा एम्बेसी की ओर से, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं आपको आने वाले 1-2 वीक में फिर से आपको अलर्ट करूंगा इस हॉलीडे के बारे में। तो आशा करता हूँ आज जो 10 मई है फ्राइडे, बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले, इसी आशा के साथ करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।